आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागन, हम ये देखने जा रहे हैं कि पेंटागन को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कैसे बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्शन है इसका, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक पेंटागन बना हुआ है, दैट इज ए बी सी डी एंड ई। अब ये पेंटागन को हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बनाना है कि ये कैसे बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इस पेंटागन को हम एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ टूल्स ले लेता हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी सेट स्क्वायर की, तो मैंने सेट स्क्वायर लिया और मैं इसको एक रेक्टेंगल में बंद करने जा रहा हूं। इसका क्या मतलब है रेक्टेंगल में बंद करने का, ध्यान से देखिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। मैंने ए और ई एंड को एक्सटेंड कर दिया और मैंने अब अपने सेट स्क्वायर को बी पॉइंट पर रखा, बी कॉर्नर पर रखा, और बी पे रखने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये कर दी। ठीक इसी तरह अब मैं इसको डी कॉर्नर पे रखता हूं और डी पे रखने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से ड्रॉ कर देता हूं, वो मैंने ये ड्रॉ कर दी। नाउ अब मैं इसको सी पर लेकर जा रहा हूं, ये देखिए आपके सामने ये सी पर आ गया और अब एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो लाइन इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करके जाएगी। एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, तो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये रही हमारी लाइन। नाउ अब मैं इस रेक्टेंगल के भी नेमिंग कर देता हूं, इस रेक्टेंगल की भी नेमिंग कर देता हूं। तो इस रेक्टेंगल की नेमिंग मैं नंबर्स में कर रहा हूं, दिस इज वन, लेट दिस इज टू, हेयर वी हैव थ्री एंड दिस इज फोर। और जो लाइन की जरूरत नहीं है मैं उसको रब कर देता हूं, क्यों, क्योंकि ये खूबसूरत दिखना चाहिए, ड्राइंग है तो जाहिर बात है कि खूबसूरत होना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। ये कंस्ट्रक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पेंटागन का आइसोमेट्रिक बनाइए या पेंटागोनल पिरामिड या पेंटागोनल प्रिज्म का, तब ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम सब जानते हैं कि आइसोमेट्रिक में इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर ब्रेथ होती है, इस एक्सिस पर हाइट होती है और इस एक्सिस पर लेंथ होती है। हाइट तो यहां पर कुछ होगी ही नहीं क्योंकि पेंटागोनल प्लेन है ये, तो हाइट कुछ नहीं होगी, 2D लेंथ और ब्रेथ होगी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ। तो मैं अभी क्या करता हूं कि जो आपका 4 और 3 है जिसमें ये जो आप देख रहे हो आइसोमेट्रिक में, सॉरी 2D प्लेन पर 4, इस 4 को मैं एज अ रेफरेंस ले लेता हूं यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर, और मैं यहां पर लिख देता हूं इस पॉइंट को कि ये मेरे पास भाई 4 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डायमेंशन है इधर से इधर तक, ये लेंथ है, ब्रेथ है या हाइट है, तो मेरे बच्चे ये है लेंथ। ठीक इसी तरह अगर आप इस डायमेंशन को देखेंगे, किस डायमेंशन को, इस डायमेंशन को, रेक्टेंगल की इस डायमेंशन को, तो ये क्या है आपके पास, सोचिए जरा, ये होगी आपके पास ब्रेथ। तो ब्रेथ पर ले जाकर ब्रेथ कट करिए और लेंथ पे ले जाकर लेंथ कट करिए। तो मैं क्या करता हूं, कंपास को 4 पे रखा और 4 पे रखने के बाद मैं मेजर करता हूं कहां तक, 3 तक, ये मैंने मेजर करा और यहां 4 पे रखा और ये थी मेरे पास क्या, लेंथ। तो मैं इसको लेंथ पे ले जाकर कट कर देता हूं, ये लेंथ पे मैंने ये कट कर दिया। ठीक इसी तरह अब मैं मेजर करता हूं 4 से लेकर 1, तो मैंने 4 से लेकर 1 ये मेजर कर लिया। 4 से 1 जब मैंने मेजर करा तो मैं इसको यहां रखूंगा और ये थी मेरे पास ब्रेथ, तो मैं इसको ब्रेथ पर कट कर दूंगा। तो देखिए मैंने इसको ब्रेथ पर कट कर दिया। अब आपके पास क्या क्या आ चुका है, एक बार उन पॉइंट्स की आप नेमिंग कर दीजिए। तो मेरे बच्चे मेरे पास ये था 4 और ये आया आपके पास 3 और ये है आपके पास 1। अब आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए है अब 2। तो 2 के लिए हम क्या करें, अब अपने स्केल को मैं लेंथ के पैरेलल रखता हूं 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, दैट मींस ये है लेंथ, लेंथ के पैरेलल, और इसको यहां पर लेकर गया 1 पर, और लेंथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाएगी कहां से, 1 से। तो 1 से लेंथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये कर दी। ठीक इसी तरह अब मैं इसको ब्रेथ के पैरेलल रखूंगा, दैट मींस अगेन कितना, 30 डिग्री, और इसको 3 पर लेकर जाऊंगा। 3 पर ले जाने के बाद मैं इनको इंटरसेक्ट करा दूंगा इस लाइन से, ये देखिए ध्यान से,
ये मैंने इंटरसेक्ट करा दिया, तो जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या है मेरे बच्चे? वो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका 2। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें पेंटागन के पॉइंट्स चाहिए ए बी सी डी एंड ई। कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा आसान है, स्केल को बाद में ले आएंगे, अभी हटा दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने निडल ऑफ कंपास 4 पे रखी और मैं रेडियस लूंगा यहां से, 4 से देखिए मैंने रेडियस लिया ये ई तक का, जितना 4 से ई है देखिए उतना ही 1 से ए होगा। तो मैंने निडल ऑफ कंपास को 4 पे रखा और मैं अब आर्क लगाने जा रहा हूं और ये लगा दिया मैंने पहला आर्क। तो ये जो पॉइंट आया ये क्या आया आपके पास? दिस इज ई। तो दोस्तों इसको लिख देते हैं, ये क्या है? दिस इज ई, ई। ठीक इसी तरह अब अगर मैं निडल ऑफ कंपास को 1 पे रख दूं और अगर आर्क कट करता हूं तो ये मैंने आर्क कट करा और ये जो पॉइंट आपके पास आया है ये क्या होगा मेरे बच्चे? दिस इज ए। नाउ अब मुझे चाहिए है डी, तो मैंने निडल ऑफ कंपास को 4 पे रखा और मैं डी तक का रेडियस लेता हूं और डी कहां मिल रहा है? 4 और 3 के बीच में, लेंथ के ऊपर। तो 4 पे रखा और मैं आर्क लगाता हूं, ये आर्क मैंने ये लगा दिया तो ये जो पॉइंट आया क्या आ गया दोस्तों? मैं एल को मिटा देता हूं, यहां से बी को मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये मेरे पास पॉइंट आ गया डी। अब आप ध्यान से देखिए, जितना 4 से डी है उतना ही 1 से लेकर बी होगा। तो मैं अब इसको 1 पे रखता हूं और 1 और 2 के बीच में आपको जो पॉइंट मिलने जा रहा है वो क्या है? वो पॉइंट है आपका मेरे बच्चे बी। तो ये मिल गया मुझे क्या? बी। ठीक इसी तरह अब मुझे चाहिए ये पॉइंट, दैट इज सी, और सी मुझे कहां मिलेगा? 2 और 3 के बीच में। तो मैं अपने निडल ऑफ कंपास को रखता हूं 2 पे और रेडियस लूंगा कहां तक का? रेडियस लूंगा मैं सी तक का, ये मैंने सी तक का रेडियस लिया और निडल ऑफ कंपास लेकर आया, यहां 2 पे रखी मैंने और आर्क कट कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए ये क्या मिल गया आपको? सी मिल गया। हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, बस अब इनको ज्वाइन करना है। मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं सी। नाउ वी नीड स्केल, वी नीड रूलर। तो ये आ गया मेरे पास मेरा खूबसूरत रूलर और मैं इसको सबसे पहले 30 डिग्री नीचे की तरफ रखता हूं, दैट मींस मैंने इसको ब्रेथ के पैरेलल रखा। मैं थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लूं। अब फाइनली हम ज्वाइन करने जा रहे हैं और खूबसूरत पेंटागन आपके सामने तैयार होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया ए से ले जाकर ई। नाउ अब इसके बाद मैं ज्वाइन करता हूं ए से बी, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। बस अब आप अकॉर्डिंग टू नेमिंग इसको ज्वाइन करते चले जाइए, ए से लेकर बी। एक्यूरेसी का थोड़ा ध्यान रखना है, ये बी। अब मैं ज्वाइन करूंगा क्या? बी से ले जाकर सी। तो बी से सी मुझे ज्वाइन करना है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये मैंने बी से सी ज्वाइन कर दिया। नाउ अब हम करते हैं सी से डी। तो स्केल को मैं लेकर आ गया सी पर और सी से ज्वाइन करना है दोस्तों क्या? डी। तो सी से डी ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। हियर वी हैव सी एंड डी एंड फाइनली खत्म कहानी, फाइनली ज्वाइन करना है हमें किसको? ई से लेकर डी, ई डी। जी हां, ई डी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये मैंने ई से ले जाकर डी को ज्वाइन कर दिया। आप देखिए आपके सामने खूबसूरत पेंटागन बन चुका है। ये है तरीका मेरे बच्चे के पेंटागन को आइसोमेट्रिक में कैसे बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट के थ्रू आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये जो मैंने आपके सामने बनाया, ये रिसेंट 2 दिन पहले किसी स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था कमेंट के थ्रू, मैंने उसी डाउट को लेकर यहां पर पेंटागन बनाना सिखाया है। अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर और जरूर शेयर कीजिए और याद रखिए, योर वैल्यूएबल फीडबैक रियली मैटर्स फॉर मी। अगर आप चाहते हैं किसी चीज में कोई चेंजेस, अगर आपको लगता है कि सर आपको किसी और टूल का इस्तेमाल कर पढ़ाना चाहिए या आपको लगता है ऑटो कैड पे या सॉलिड वर्क्स पे मुझे वीडियो बनाने चाहिए, तो प्लीज कमेंट कर बताइए, डेफिनेटली मैं आपके लिए काम करूंगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।